आप सभी को नमस्कार इस ब्रूट 2.0 के इस इवेंट पर हमारे साथ उपस्थित कल के इवेंट के हमारा को रनर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण भैया और आज के इस कटन रेजनर कटन रेजिंग के इस इवेंट पर हमारा चीफ गेस्ट बहुत सीनियर लीडर हमारा ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चोनामिन जी और हमारा दोनों ऑनेबल मिनिस्टर कलीग श्री मामा नातुंग जी श्री तुमकी बागरा जी और आज के इस इवेंट के हमारे गेस्ट ऑफ गेस्ट ऑफ ऑनर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री चुकू जी यहाँ के स्थानीय विधायक गोकर बसर जी और आलो से आए हुए हमारा दोनों ऑनरेबल एम एल ए न्यामर करबक जी और किंतो जीनी जी और पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट लोअर सियांग से आए हुए ऑनरेबल एम एल ए करदो निगेर जी और कल का इस इवेंट के लिए दो स्पेशल पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं हमारा वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से ऑनरेबल एम एल जी और ऑनरेबल एम एल जी यहाँ उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स और ख़ास करके हमारा बहुत ही सीनियर लीडर इस रीजन के और राज्य के हमारा फॉर्मर मिनिस्टर इकिन रिबा साहब डिप्टी कमिश्नर एसपी पूरा एच और हमारा जीआरके के प्रेसिडेंट ब्रूट टू पॉइंट ओ के चेयरमैन और सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर इंजीनियर तोमो बसर जी और पूरा जे आर के का टीम मेंबर्स और देश भर से जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हुए हैं तो सबसे पहले तो यहाँ के जे आर के और ब्रूट टू पॉइंट ओ के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बार जो सेकेंड एडिशन जो ब्रूट जो हो रहा है इसमें हमको भी एक पार्टिसिपेंट के रूप में आप लोग ने यहाँ पर बुलाया और साथ साथ हमारे साथ जिसे मैंने मेंशन किया अपना यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस किरण जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था किरण भैया को कि यहाँ पे जो चार इवेंट है हो पाने से तो ये पूरा सिक्सटी के आप करके जाइए मगर इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कल बाई जो रोड के बारे में जो इन्होंने जिक्र किया जो जो कंडीशन है इस रोड का इसको रिव्यू करते हुए वो जाएंगे तो आ, केवल टेन के में ही पार्टिसिपेट करके आ, फिर वो निकल जाएंगे तो मैं इस इवेंट को लेके तोमो बसर साहब और जीआरके के, के प्रेसिडेंट और जितने भी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और जो मैनेजमेंट कमेटी है ब्रूट टू ये बहुत ही आप लोग ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट अरुणाचल में शुरुआत किया है स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर 2021 से ये सेकेंड एडिशन है मैराथन रेस का और अरुणाचल प्रदेश इज़ नॉन फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स आप कुछ भी स्पोर्ट्स बोलिए अरुणाचल इज़ नोन फॉर दैट एक्सेप्ट फॉर जो बड़ा बड़ा जो पानी में जो स्पोर्ट्स होता है एक्वा का जो स्पोर्ट्स होता है उसको छोड़ के एक्वा मतलब हमारे यहाँ पे वाइल्ड राफ्टर रा, राफ्टिंग होता है और कायाकिंग वगर तो होता है तो यहाँ पर अरुणाचल इज़ नॉन फॉर एडवेंचर टूरिज़म के लिए और यहाँ के जो नेचर के बारे में ऑनरेबल डीसीएम साहब ने जो बताया कि हमारा अरुणाचल का जो बायोडाइवर्सिटी है रिच बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में बताया और यहाँ आने के बाद जो ईवी प्रोजेक्ट के बारे में भी मेंशन किया और मैं भी कल जा रहा हूँ ईवी प्रोजेक्ट को देखने के लिए और आप सभी जो आज इस इवनिंग जो कटन रेजर प्रोग्राम में जो आए हैं मैं तो यहाँ पर आप तीन दिन हूँ आज भी आपके साथ हूँ कल भी दिन भर आपके साथ हूँ और परसों बास्कोन फेस्टिवल में भी मैं आपके साथ हूँ तो बाकी डेवलपमेंटल uh, या जो भी मैटर्स को लेके मैं में बास्कोन फेस्टिवल में हम पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि आज के इस इवेंट के बाद में कल्चरल आइटम्स भी यहाँ पे शोकेजिंग होगा तो देखिए आज ब्रूड रन जो है हमारा बेसिकली uh, स्पोर्ट्स के साथ में रिलेटेड है और यहाँ पे आज पता चला है कि जो प्रोफेशनल रनर्स है अराउंड लगभग हंड्रेड जैसे अपना अन्य राज्य से प्रोफेशनल रनर्स लोग यहाँ पे आए हैं सो so, मैं अरुणाचल का जनता की ओर से पूरे प्रोफेशनल रनर्स का यहाँ स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ हमारा जो लोकल जो रजिस्टर्ड है रनर्स करीबन 200 लोग ने रजिस्टर्ड किया बोल के बताया है तो कल से ये इवेंट हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आई जो कल के इवेंट के चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर है वो फ्लैग ऑफ करेंगे तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अभी अरुणाचल प्रदेश भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है रिसेंटली uh, जो नेशनल गेम्स हुआ है उसमें अरुणाचल ने काफ़ी अच्छा मेडल भी जीता है इसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स जो कंडक्ट हुआ है वहाँ पे हम सबको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक ज़माना में अरुणाचल प्रदेश जो सबसे लास्ट हुआ करता था विद इन द नॉर्थ ईस्ट आज वो जाके थर्ड पोजिशन में आया है फर्स्ट में मणिपुर सेकेंड में आसाम बाद थर्ड में अरुणाचल प्रदेश तो इसका सपोर्ट जो है इसमें सरकार का बड़ा इसमें रोल है ख़ास करके केंद्र सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय अभी फ़िलहाल लॉ मिनिस्टर उस वक्त में जो स्पोर्ट्स देखता था तो उस वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर आना स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करना काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया है आप सबको पता है कि जब किरण रिजिजू जी जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो उस वक्त में खेलो इंडिया कॉन्सेप्ट और हम फिट टू इंडिया फिट कॉन्सेप्ट ये पूरा जनरेट किया है तो आजकल हम लोग देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और अपना वेलबींग अपना हेल्थ का के लिए लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं सुबह शाम वॉकिंग में भी हो निकलता है तो काफ़ी अच्छा चीज़ इस देश भर में प्रमोट हुआ है खेलो इंडिया के माध्यम से हमारा यंग जो युवा हैं यूथ को जोड़ने के लिए इवन यूनिवर्सिटी लेवल में भी खेलो इंडिया का गेम्स कंडक्ट किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमने कहा कि खेलो इंडिया में इतना सारा स्कीम्स हम लोगों को अरुणाचल में दिया था जो किरण जी मिनिस्टर जब था स्पोर्ट्स का तो आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी मल्टीपर्पज़ हॉल इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम्स भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है और आज हमारे बीच अपना राज्य का भी स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर मामा नाडुंग जी यहाँ पर उपस्थित है तो मैंने सरकार की ओर से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ये डायरेक्टिव दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश भी हम लोग अभी बड़ा सोचने का टाइम आ गया अभी ऊंचा सोचने का टाइम आ गया लेट्स नाउ थिंक अबाउट ओलंपिक्स। अभी 2024 ओलंपिक्स तो काफ़ी सामने हो गया वहाँ पे हो नहीं पाएगा मगर हमारा 2028 ओलंपिक्स के बारे में सोचिए 2032 ओलंपिक्स के बारे में सोचिए उसका तैयारी अभी से हम लोगों को शुरुआत करना है तो डिपार्टमेंट को मैंने कहा कि कम से कम पाँच छः स्पोर्ट्स फील्ड को आइडेंटिफाई कीजिए वहाँ का ट्रेनिंग अभी से हम लोग शुरुआत कर देना चाहिए तो मामा नतुम जी ने थोड़ी देर पहले हमको ब्रीफ किया कि डिपार्टमेंट उस क्षेत्र में स्पोर्ट्स का एरिना में रेडी है प्रेजेंटेशन देने के लिए और साथ साथ हम लोग फिर उसको कैबिनेट में हम लोग पास करके सरकार की ओर से जो भी असिस्टेंस एस एस स्पोर्ट्स पर्सन को देना है हम लोग दे के उसको ट्रेनिंग में हम लोग भेजेंगे ईटानगर में जो अभी संगे स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर थ्री एक्सीलेंस Uh, कभी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और किरण जी के आशीर्वाद के कारण से हमारा अरुणाचल प्रदेश में इंडिविजुअल गेम्स में हम लोगों का काफ़ी पोटेंशियल है अभी आज आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इंडिविजुअल गेम्स में जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो फिल स्टेशन हुआ है वेट लिफ्टिंग हो गया इसके बाद वोशू हो गया कराटे हो गया तो इस प्रकार का जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हम लोगों का काफ़ी कैपेसिटी uh, है वी कैन एक्सपेक्ट फॉर यू नो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड लेवल मेडल ओलंपिक जैसे स्टैंडर्ड्स का तो इसे क्षेत्र में हम लोग अभी प्रमोट करेंगे और सरकार के ओर से हमेशा यूथ को जोड़ने के लिए और अपना यूथ को एवेन्यूज़ देने के लिए स्पोर्ट्स का माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्स में अभी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बना रहा है आप सबको पता है कि मैं अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ तो इस बार मैंने तय किया कि जितने भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फूड सेल का माध्यम से भी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम बना के देंगे और साथ साथ क्योंकि फुटबॉल जो होता है वो सबसे लोकप्रिय गेम होता है और कुछ भी खेल शुरू करने से पहले जो बच्चा छोटा होता है तो फुटबॉल से ही शुरू होता है तो इसलिए स्कूल्स का साथ में भी फुटबॉल हमारा जो आ, जो हमारा आ, फेडरेशन है उसका साथ में भी हम लोग एम करके स्कूल लेवल से भी हम लोग अभी लोगों को और भी इंकरेज हम लोग कर रहा है तो ये ब्रूट जो अभी टू इस बार जो हम लोग कल विटनेस करेंगे इससे केवल अपना लेपरादा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश का भी काफ़ी अच्छा नाम अभी हो रहा है सो so, इसको हम लोग सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है गोकर एम साहब ने जैसे अपील किया और हमारा चीफ इंजीनियर तमो बसर साहब जो बहुत ही पैशन के साथ में इस प्रोजेक्ट को जो ड्राइव कर रहा है अपना मदन जी है जो चेयरमैन रूट टू का तो इन लोगों का भी चाहत है कि आने वाला दिनों से थोड़ा गवर्नमेंट भी इसमें चिप इन करने के लिए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो हमेशा जनता का वेलफेयर के लिए होता है अपना यूथ्स का वेलफेयर के लिए होता है इस टाइप का एक्टिविटी को हम डेफिनेटली आने वाला जो ब्रूट थ्री पॉइंट ओ हम लोग गवर्नमेंट भी फंडिंग करके हम लोग पार्टनरशिप में इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो इतना कहते हुए मैं बाकी बात जो है आप लोगों को कल परसों जो एड्रेस करेंगे उसमें हम शेयर करेंगे तो इतना कहते हुए माय बेस्ट विशेस टू तो ऑल दी पार्टिसिपेंट्स जो चारों इवेंट फाइव के टेन के थर्टी के और सिक्सटी के का जो आ, कल दौड़ेंगे आप सबको बेस्ट विशेस कन्वे करना चाहेंगे और Uh, देश भर से जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं आप सब लोग uh, रेसिंग के बाद में आप लोग एंजॉय कीजिए बसर इज ए वेरी गुड प्लेस टू एंजॉय एंड व्हेन यू गो बैक होम टेक गुड मेमोरीज ऑफ बसर एंड अरुणाचल प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय हिंद जय अरुणाचल थैंक यू सो मच सर राधा इज योर गिफ्ट एंड वी आर फॉर एवर यू सर And recently you having announced making Basar a headquarter for Central uh, Divisional Commissioner, it has come as a great news for us and we are really, really grateful for that, sir. Thank you for supporting Basar by giving us funds for Bascon, for GRK Football Academy, and also the Heritage Museum at Basar.